Hello everyone, my name is Kushal Tripathi and I am your mathematics educator. This video we will cover the 10th class NCRTC exercise 8.3 ka question number 4 ka eighth part. So uh, this is the question. Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. Alright. Sine A plus cosec A whole to power 2. प्लस कॉस ए प्लस सेक एले पावर टू इज इक्वल टू सेवन प्लस स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर ओके क्या करना है जो अभी तक इतने पार्ट्स में हमने सॉल्व सॉल्व किया है टू तक हम solve कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में वही सेम काम लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रिग्नोमेट्रिक की एक्सप्रेशन दी हुई है उसे सिंप्लीफाई करके इक्वल प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सप्रेशन दी हुई है तो कैसे करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की जो एक्सप्रेशन है उसे लिख लेते हैं विच इज साइन ए प्लस कॉसैक ए का होल स्क्वायर प्लस स्क्वास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर ओके सबसे पहली आइडेंटिटी जो आपने ध्यान में रखनी है वो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी विच इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ये अप्लाई आपने इसके लिए भी करनी है और इसके लिए भी करनी है वैसे ओपन करेंगे ऐसे तो देखिए दिस विल बी साइन ए ए प्लस प्लस टू साइन ए इसेक ए अगेन नेक्स्ट ब्रैकेट में ओपन करेंगे सो दिस इज कॉस स्क्वेर ए प्लस सेक ए प्लस टू कॉस ए इंटू सेक ए कोई दिक्कत गुड अब देखिए आपको पता ही है कि कॉसेक ए जो यहां पर लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन ए के एंड सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं दिस इज वन अपॉन कॉस के यस yes? तो अब आप मुझे खुद बताइए कि यहां पर ये यह जो कॉसेक ए लिखा हुआ है और यहां पर ये जो सेक ए लिखा हुआ है क्या मैं इनको रिप्लेस कर सकता हूं आप कहेंगे बिल्कुल सर कर सकते हो तो चलिए कर देते हैं इसके प्लेस पे मैं यहाँ लिखता हूं दैट इज साइन ए इन टू वन अपॉन साइन ए इस टाइप का ध्यान रखना और यहां पर ये जो आप सेक ए देख रहे हैं यहाँ पर इसके प्लेस पे मैं लिख दूंगा वन अपॉन कॉस ए ठीक है मैंने फिर से लिख के नहीं दिखाया यहीं पे शॉर्टकट कर दिया है ताकि इजिली सॉल्व हो जाए तो ये और ये कैंसिल ये और ये कैंसिल right. तो यहां पर क्या बचा आपके पास टू। यहाँ पर भी आपके क्या पास क्या बचाया? टू बचा है टू टू करेंगे फोर तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं फोर प्लस अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिखें लाइक दिस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉसिक स्क्वायर ए को आप ऐसे ही लिख दीजिए अभी फिलहाल कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्र ए करके प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है साइन स्क्र ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है वन होता है तो उसके प्लेस पे हम क्या लिखने वाले हैं वन लिखने वाले हैं राइट तो पहले मैं आपको और भी बातें बता देता हूँ फिर एक साथ करते हैं हमें तीनों आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वाज इक्वल टू वन वन प्लस ट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए एंड वन प्लस टेन स्क्वाजल टू से राइट तो देखिये अब ये जो सेक स्क् है उसके प्लेस पे मैं लिखूंगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए है उसके प्लेस पर मैं लिखूंगा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए और यहाँ पर अभी मैंने आपको बता दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर से ए इज इक्वल टू वन तो यहां पर हम लिखने वाले हैं वन तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए दिस इज फोर प्लस वन प्लस कॉसेक स्क्वायर ये मतलब वन प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर मतलब दिस वन वन प्लस टेन स्क्वायर ए खत्म वन और वन ऐड करेंगे कितना हो जाएगा मतलब यहाँ पे वन तीन बार आ रहा है एक दो तीन ये हो गया चार और तीन कितने सात हो गए प्लस में आ,

i hope your doubt related to this question is clear now if it's so then please like it and share it with your friends moreover don't forget to subscribe my channel for free online math classes one more thing if you are looking for a math teacher for yourself then contact details are in a description box thank you